विश्व शक्ति है, ब्रह्मा की बेटी है। काशी प्रवृत्ति वाले लोग हैं वो इसी तरह का बयान देंगे, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने का, हिंदुओं को बांटने का। और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ। बिहार की जनता ये सारे रंगा सियारों को पहचानती है। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है, जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो सुधरे ना है। सनातन को बांटने का काम कर रहे हैं, ये राजद अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। भाई फुले का प्रतिमा लगे और उनका जो जिस तरह प्रार्थना होता है विद्यालय स्टार्ट में, इनका वंदना होना मतलब कि चाहिए स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से पहले हर रोज। और 3 जनवरी को इनका जयंती है, हर विद्यालय में 3 जनवरी को इनका जयंती मना करके हर विद्यालय में याद करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की देवी यही है, न कि सरस्वती है। नहीं तो आस्था तो बड़े लोगों की है, बहुत बड़ी एक आबादी है जो सरस्वती को। अरे मैं आस्था पर कहा, मैं तो व्यवस्था पर चोट कर रहा हूँ भाई। जो आप ही के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि सरस्वती, जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है, और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया, तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है, मैं उनका कहा हुआ बात कह रहा हूँ, उनका ग्रंथ है, मतलब पढ़ लीजिए। तो राजनीति में भी तो चरित्रहीन कई नेता ऐसे दिखते हैं जिनके बारे में धारणा है या समाज मानता है, वैसे लोग बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। उनको सजा मिलता है ना, जो नेता बलात्कार करता है, जो नेता चोरी करता है, अपहरण करता है, उसको सजा मिलता है ना। लेकिन जो आपकी बीजेपी का सरकार चल रहा है, वो मतलब स्पष्ट महिला खिलाड़ियों के साथ बृजभूषण सिंह ने क्या क्या किया और सरकार उसको अपने साथे रखा हुआ है, और इसलिए रखा हुआ है कि मनुस्मृति में मतलब कि वही अधिकार उसको है, मनुस्मृति में बहुजनों का कोई अधिकार नहीं है। आप जो आयोजन कर रहे हैं डेहरी के पड़ाव मैदान में, उसमें जो आपने अतिथि आमंत्रित किया है उसमें डॉक्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो हिंदुत्व और सनातन के विरुद्ध बोलते रहे हैं, उसके लिए सुर्खियों में आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर हटा दिए गए डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो प्रोफेसर हैं, अर्जक संघ के अरुण गुप्ता और अन्य लोग हैं, मकसद क्या है आपका? कहीं ना कहीं तो कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। आप पत्रकार हैं, आप हमें बता दीजिए कि ब्राह्मणों का लिखा हुआ जितना भी ग्रंथ है उस ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द है क्या? अगर हिंदू शब्द है तो हिंदू का बात करिए। अरे भाई हम हिंदू हैं ही नहीं, हम 90% के लोग कथा कथित हैं, मतलब शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। और ब्राह्मणों ने शूद्रों को हजारों साल शिक्षा से वंचित रखा ताकि उन्होंने अपने पूर्वजों को पहचाने नहीं, अपना अधिकार नहीं समझे। उसी में 85% 90% शूद्रों को जगाने के लिए, अपना अधिकार समझाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा है। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण है बाकी सब लोग शूद्र हैं देश में? देश में 15% आप ही के भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया ना कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। 3% अगर श्रेष्ठ है तो 97% क्या है, जाकर पूछ लीजिए उनसे, वो तो सुधरे ना है। और 3% और जब सम्राट चौधरी ने ये बयान देने से पहले एक गुलामी स्वीकार कर लिया उसका कि मैं भाई तुम्हारा गुलाम हूं। मतलब आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद का एजेंडा यही रहेगा, शूद्र बनाम अन्य या ब्राह्मण बनाम अन्य शूद्र। हम ये सामाजिक बदलाव की बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक बदलाव का राजद से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरे बहुजन समाज के लोगों का भविष्य का बात है। हम प्रकाश की तरह, हम पूरे बहुजन समाज के लोगों को, जो 97% भारत के मूल निवासी हैं, 97% जो भारत के मूल निवासी हैं, 3% विदेशियों से, मैं 97% के मूल निवासियों को मानसिक गुलामी से आजाद कराना चाहता हूँ।
राजद का मतलब राजसी प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल है। तो इस तरह से जो राजद के दलदल हैं, राजसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो इसी तरह का बयान देंगे हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देने का, हिंदुओं को बांटने का, अगड़ा पिछड़ा करने का। उनको समझ में नहीं आता है कि श्री सम्राट चौधरी भी पिछड़े समाज से हैं, और जिस तरह से तेजस्वी यादव हैं उसी तरह से वो भी पिछड़े समाज से हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अति पिछड़े समाज से हैं, यहाँ कोई अगड़ा नहीं है, सारे पिछड़े का जमात है। और उसी में ये बेचैन है, चूंकि विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, काम राष्ट्रवाद का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इनको डर हो गया है किसी तरह से अगड़ा पिछड़ा को लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं, सनातन को बांटने का काम कर रहे हैं। ये राजद अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा, और बिहार की जनता ये सारे रंगा सियारों को पहचानती है।